93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। अनजाने में की हुई गलतियां कभी इतनी भारी पड़ती हैं कि उसके नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। विपुल और प्रीति एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। शाम को विपुल उसके छोटे भाई सोहेल और प्रीति की मूवी देखने जाने की बात थी। प्रीति और विपुल मॉल के बाहर ही सोहेल का इंतजार कर रहे थे और तभी सोहेल का फोन आया कि वो किसी अर्जेंट काम में फंस गया है और मूवी देखने नहीं आ पाएगा। विपुल और प्रीति मॉल में एंटर कर ही रहे थे कि प्रीति ने अपने हाथ में पड़ा टिश्यू पेपर मॉल की जनरेटर रूम के एक कोने में फेंका। बस यहीं से शुरू होती है प्रीति की जिंदगी की उल्टी गिनती। दोनों मॉल में घुसने ही वाले थे कि जो टिश्यू पेपर प्रीति ने फेंका था वही टिश्यू पेपर उसके सर से आकर टकराया। पलट कर देखा तो वहां ऐसा कोई नहीं था जो इस तरह की बदतमीजी करता। बात को आई गई करके प्रीति और विपुल जब मॉल के लिफ्ट में चढ़े तो भीड़ भाड़ वाली जगह में भी प्रीति को घुटन होने लगी थी, मानो जैसे उसकी सांसें किसी ने रोक ली हो। जब लिफ्ट फोर्थ फ्लोर पहुंची और लिफ्ट का दरवाजा खोला तो प्रीति की सांस में सांस आई। उसने अब तक घटी किसी भी घटना के बारे में विपुल को कुछ नहीं बताया था। हॉल में बैठकर मूवी देख ही रहे थे कि तभी प्रीति को अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी। प्रीति, प्रीति। गौरतलब है कि यह आवाज सिर्फ प्रीति ही सुन पा रही थी, बाकी मौजूद लोग वहां मजे से फिल्म देख रहे थे। प्रीति ने ना चाहते हुए भी विपुल से कहा कि मैं जरा वॉशरूम से आती हूं और उसने उस आवाज को फॉलो करना शुरू कर दिया। प्रीति। यह आवाज मानो प्रीति को अपनी ओर खींच कर कहीं ले जा रही थी। इस आवाज के पीछे पीछे प्रीति ने पहले मूवी हॉल के बाथरूम का दरवाजा खोला और फिर बाथरूम के अंदर जो बाथरूम था उसका दरवाजा खोला, क्योंकि यह आवाज वहीं से आ रही थी। उस बाथरूम के दरवाजे को खोलते के साथ ही किसी ने पीछे से प्रीति को जोर का धक्का दिया जिससे वो बाथरूम के अंदर गिरी और जैसे ही उठकर खड़ी हुई तो उसकी आंखों के ठीक सामने था बाथरूम का बंद दरवाजा और पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर बाथरूम के दरवाजे पर। प्रीति की चीख पुकार सुनकर कुछ लोग अंदर आए तो पाया कि प्रीति वहां बेहोश पड़ी थी। वो लोग मिलकर प्रीति को बाहर ले गए और इतनी ही देर में विपुल भी वहां दौड़ा दौड़ा आया, क्योंकि ये खबर हॉल के अंदर भी फैल गई थी। थोड़ी ही देर में प्रीति को होश आया और सर पर हल्की सूजन थी। विपुल उसे लेकर मॉल से बाहर निकला तो प्रीति ने अपनी मुट्ठी में दबी हुई मूवी टिकट वहां फेंक दी कि तभी न जाने विपुल को क्या सूझी कि प्रीति को खींचा और दीवार के पास ले गया और सुनाई दी तो सिर्फ विपुल की हंसी। .5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। विपुल और प्रीति मूवी देखने गए थे जहां प्रीति ने एक आवाज सुनी और उसके पीछे पीछे वो बाथरूम तक गई
जहां उसके साथ हुए हादसे के बाद विपुल उसे लेकर मॉल से बाहर निकल ही रहा था कि प्रीति के हाथ से मूवी टिकट नीचे गिर गई और ठीक तभी विपुल ने उसका सर पकड़ा और दीवार पर दे मारा और हंसते हंसते रोने लगा। विपुल ने उसी पागलपन में अपनी गाड़ी निकाली और तुरंत प्रीति को हॉस्पिटल ले गया और उसका इलाज करवाया। जब प्रीति को होश आया तो विपुल को अपने सामने देख जोर से चीख पड़ी। विपुल ने उसे बहुत मनाने की कोशिश करी और कहा, मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारे साथ ये सब नहीं किया। मैं तो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें मारूं? मेरा यकीन करो, ये सब किसी ने करवाया। मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने सच में कुछ नहीं किया था। प्रीति को बाथरूम में घटी वो घटना अच्छे से याद थी, इसलिए उसे लगा कि शायद इसमें विपुल की कोई गलती नहीं और उसने विपुल को माफ कर दिया। इसके बाद कई दिनों तक कोई घटना नहीं हुई और दोनों की जिंदगी एक बार फिर से नॉर्मल हो गई थी। बरसात की रात दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकले। प्रीति ने कहा कि उसे आइसक्रीम खानी है और प्रीति की बात विपुल कभी टाल नहीं सकता था, सो उसने तुरंत गाड़ी रोककर आइसक्रीम लाकर प्रीति को दे दी और गाड़ी शुरू की। कुछ दूरी गए थे कि प्रीति ने गाड़ी का शीशा रोल करके आइसक्रीम का पैकेट और स्टिक बाहर फेंकी। ये देख विपुल के चेहरे का रंग बदल चुका था। उसने कहा, प्रीति नहीं करना चाहिए था यार ऐसे। चलती गाड़ी से तुम कचरा बाहर फेंक रही हो, वो भी मेरे सामने। यू नो दैट आई डोंट लाइक इट। और इतना कहते के साथ ही उसने प्रीति का सर पकड़ा और डैशबोर्ड पर। प्रीति की जब आंख खुली वो अपने घर पे थी और सर पे पट्टियां लगी हुई थी। होश में आते के साथ ही उसने सबसे पहले विपुल का नंबर ब्लॉक किया, उसके सारे मैसेजेस डिलीट किए, फेसबुक पर उसे ब्लॉक किया। विपुल ने लाख कोशिशें की प्रीति से कांटेक्ट में आने की, लेकिन प्रीति ने इस बार विपुल के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे। विपुल ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था और जब उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई तो उसने अपना प्यार प्रूव करने के लिए सुसाइड अटेम्प्ट भी किया। प्रीति को जब ये बात पता चली तो उसे अंदर ही अंदर गिल्टी फीलिंग हो रही थी और वो दौड़ी दौड़ी विपुल को देखने हॉस्पिटल पहुंची। विपुल बिस्तर पर लेटा था और उसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। प्रीति को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। विपुल की ऐसी हालत देखकर प्रीति का भी दिल पिघलने लगा और वो विपुल के बगल में जाकर बैठी ही थी कि उसके हाथ से विपुल के बगल में टेबल पर पड़ी दवाई की शीशी हाथ लगकर नीचे गिर गई। और ठीक तभी अब तक जिस विपुल के आंख में आंसू थे उसके चेहरे पर एक हंसी आ गई थी। रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। प्रीति ने विपुल की पागलों जैसी हरकतों से परेशान होकर उससे अपने सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर लिए। जिस गम में विपुल ने सुसाइड करने की कोशिश भी करी। जब प्रीति को यह बात पता चली
तो वो दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल गई और विपुल की हालत देख खुद को संभाल नहीं पाई और ऐसी हालत में टेबल पर रखी दवाई की शीशी उसका हाथ लग कर गिर गई। ये देखकर वो विपुल जो अब तक प्रीति को दोबारा अपने पास देखकर रो रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब से मुस्कान आ गई थी और उसने हंसते हंसते कहा, प्रीति तुमने फिर से गंदगी फैला दी यार। तुमको मालूम है ना मुझे गंदगी पसंद नहीं है। और उसने अपने इसी पागलपन में ग्लूकोज की बोतल उठाकर प्रीति के सर पे दे मारी। इस अचानक से हुए हमले से प्रीति चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़ी और ये देख विपुल ने रोते हुए कहा, प्रीति मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कोई है जो मुझसे ये सब करवा रहा है? तुम्हें इस तरह से बार बार चोट नहीं पहुंचा सकता। I am sorry, Pete. इतना कहते कहते विपुल हंसता हुआ हॉस्पिटल की गैलरी की ओर भागा और उसके ठीक पीछे पीछे हॉस्पिटल के स्टाफ भी दौड़ रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो विपुल पर कंट्रोल कर पाते, उसने हॉस्पिटल के फोर्थ फ्लोर से छलांग लगा दी। प्रीति की हंसती खेलती जिंदगी में यह कैसा तूफान था जो क्यों आया, किस लिए आया और कैसे आया, वो इन सवालों का जवाब तो ढूंढना चाहती थी पर मिला उसे कुछ भी नहीं। प्रीति धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी और नींद की गोलियां उसका सहारा बनते जा रही थी। ऐसे में विपुल का छोटा भाई सोहेल, जिसे प्रीति बहुत अच्छे से जानती थी, वो उसका सहारा बना। प्रीति के दिल में विपुल के प्रति हमदर्दी भी थी, इसलिए उसने उसके परिवार वालों से बातचीत जारी रखी। एक दिन दोपहर नहाकर प्रीति कमरे में आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रही थी और उलझे हुए बालों को कंघी से निकालकर जैसे ही उसने जमीन की तरफ फेंका कि पीछे से एक हंसी की आवाज आई। यह हंसी काफी जानी पहचानी थी और पता नहीं प्रीति को क्या सूझा कि उसने तुरंत झुककर धीमे धीमे जमीन की तरफ गिरते हुए उन बालों के उस गुच्छे को हवा में ही पकड़ लिया। दिन ब दिन ऐसी हरकतें प्रीति के साथ बढ़ती गई और साथ ही उसका पागलपन भी। बहुत दिनों के बाद प्रीति के चेहरे पर खुशी वापस आई क्योंकि आज वो सोहेल के साथ बाहर आई थी। अभी दोनों बैठकर खाना खा ही रहे थे कि प्रीति का हाथ लगकर सॉस की बोतल गिरकर टूट गई। ऐसा होते के साथ ही प्रीति के चेहरे का रंग बदलने लगा और आंखों में आंसू आने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे अब कुछ होने वाला है। ऐसी हालत में सोहेल ने उसे संभाला और कहा, क्या हुआ तुमको प्रीति, तुम इतना परेशान क्यों हो गई? अरे एक सॉस की बॉटल ही तो यार, हम बिल में इसका पेमेंट कर देंगे। जैसे ही सोहेल बिलिंग काउंटर तक गया कि प्रीति ने पीछे से उसके कान में एक आवाज सुनी। रेड FM पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। प्रीति की लापरवाही पे विपुल का पागलों की तरह उसे मनाने की वजह से दोनों के प्यार में दरार पड़ी और इस कदर पड़ी कि विपुल ने सुसाइड कर लिया। इस डिप्रेशन और अकेलेपन से बचाया प्रीति को विपुल के ही भाई सोहेल ने। प्रीति और सोहेल बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, साथ घूमने फिरने भी जाते। प्रीति के दिल में अभी भी विपुल की दी हुई चोटें जिंदा थी। कभी भी लापरवाही से कुछ भी हो, प्रीति की सांस अटक जाती क्योंकि उसे सुनाई देती
इस वक्त एक हंसी। सोहेल वैसा नहीं था, सुलझा हुआ और समझदार था। आज तक गुस्से की एक झलक प्रीति ने सोहेल के चेहरे पर नहीं देखी थी। प्रीति भी धीरे धीरे पुराने गम भुलाने लगी और जिंदगी की नई शुरुआत की ठान ली। जब बारी आई शादी की तो घर वाले हों या प्रीति या सोहेल, सबकी राय यही थी कि सोहेल और प्रीति की शादी हो जाए। शादी की शाम जब प्रीति तैयार हो रही थी तो उसे आईने में विपुल की एक झलक दिखाई दी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी। इस बार प्रीति ने कोई आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए इसे अपने ही दिमाग की उपज मानकर वो तैयार होने लगी। बड़े धूमधाम से दोनों की शादी हुई। प्रीति खुश थी कि उसे समझने वाला, प्यार करने वाला सोहेल उसे मिला, जो सुलझा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, प्रीति को अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं थी। शादी के बाद रात को जब सोहेल कमरे में पहुंचा तो प्रीति बहुत खुश थी। सोहेल मुस्कुराता हुआ उसके पास बैठा और बोलना शुरू किया, आखिरकार शादी हो ही गई, कितना इंतजार किया। भैया तो चले गए लेकिन मैंने सोच लिया था कि शादी तुमसे ही करूंगा। इतने साल तुम और भैया एक साथ थे, अब जाकर भैया का इंतजार खत्म होगा। प्रीति बोली, मतलब? सोहेल ने आगे कहा, अरे बस यही कि भैया चले गए तो क्या हुआ, हो तो तुम इसी घर की बहू ना, हाँ? सबने अच्छे मन से मान लिया, खुशी खुशी मान लिया, यही बहुत है। तुमको पता भैया तुम्हें कितना मिस करते होंगे, कितना रोते होंगे, परेशान होते होंगे। प्रीति के हाथ से लगकर टेबल पर रखा दूध का ग्लास गिर गया, पूरे कमरे के फ्लोर पे दूध फैल गया। सोहेल के चेहरे का रंग बदल चुका था। प्रीति को फिर से वही हंसी सुनाई दी। लेकिन इस बार उसे दिख रहा था कि वो हंसी सोहेल की थी। सोहेल ने बेड के नीचे रखा एक रॉड निकाला और प्रीति की तरफ पड़ते हुए बोला, चलो अब डरने की कोई बात नहीं है भाभी, भैया के पास तुम खुश रहोगी, लेकिन भैया को तो पसंद नहीं है ना ऐसी गंदगी। हाँ, आगे से ध्यान रखना। ये कह के सोहेल दीवार की तरफ देख के बोला, लो भाभी भैया भी आ गए हैं अपनी दुल्हन को ले जाने। जाओ भाभी, भैया के साथ जाओ। सोहेल की बात सुनकर प्रीति ने जैसे ही दीवार की तरफ देखा, सोहेल ने प्रीति के सर पे जोर जोर से मारा और तब तक मारा जब तक प्रीति की मौत नहीं हो गई। और उसके बाद खुद पुलिस स्टेशन जाकर उसने बताया कि उसके भैया और उसने मिलकर भाभी को मार डाला। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। मुझे भी गंदगी पसंद नहीं। ...93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।